तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हुई तो क्या होगा, सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। शुरू करते हैं। अगले 20 मिनट में हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड्स में आने वाला है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाती है तो यार क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमने पढ़ लिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने की जरूरत क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? वो इमेजिनरी कर्व थे जिनसे अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो उस पाथ को फॉलो करता है। मगर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बता पाएंगी कि मैं इस सरफेस एरिया से कितना पास हो रही हूं, इस सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है? नहीं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, इसीलिए हमने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी को जन्म दिया जिसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्या कहता है अपन से? ये कहता है कि अगर आपके पास एक सरफेस है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब कि नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सरफेस। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली। ये अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को, नॉर्मली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे भी पास हो सकती थी मगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वो लाइंस काउंट नहीं होंगी। तो अगर एक बात सोचो, ये अपन ने प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हुई तो लाइंस पास पास होंगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक हुई तो लाइंस दूर दूर होंगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा है। अगर सरफेस एरिया बड़ा है, भाई तुम बड़ा वाला बर्तन लेके पानी के टैंक के नीचे खड़े हो गए और वहां से खूब सारा पानी आ रहा था, मतलब ऐसा मान लो कि वाटरफॉल है, तुम जितना बड़ा कंटेनर लेके खड़े होगे उतना ज्यादा उसके अंदर पानी आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। उसी तरह से यहां पर अगर ये सरफेस छोटी सी हुई तो लाइंस कम है, सरफेस बड़ी हो गई तो लाइंस ज्यादा है। तो सरफेस एरिया के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इसको अपन कंबाइन कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड वाले को तो ये बन जाता है E into S। अब यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, मगर SI सिस्टम में वो कांस्टेंट होता है 1, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है अपने पास E into S। E क्या है यहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। S क्या है अपने पास यहां पर? सरफेस एरिया। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी यूनिट क्या आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला, न्यूटन का रख दो, कूलम का 80 रख दो, एरिया का एल स्क्वायर रख दो, तो ये न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m1 l3 t-3 a-1। तो आपके पास निकल कर आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला भी। बट तो इंसानी दिमाग है, 50 चीजें सोचता है, दिमाग लगाता है, तो हमने ये सोचा कि यार जरूरी थोड़ी ना है कि सरफेस हमेशा नॉर्मली हो फील्ड के साथ। अगर मेरी सरफेस कुछ एंगल बना रही है तो उस केस में क्या होगा? ये सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया वेक्टर, ज्यादा अच्छे से कहें तो, क्योंकि एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर है, डायरेक्शन क्या होती है अपने पास? सरफेस से परपेंडिकुलर। अगर ये अपने पास एरिया है तो इसकी डायरेक्शन होगी ये, अगर ये एरिया है तो इसकी डायरेक्शन होगी ये, अगर यहां से देखूंगा तो इसकी डायरेक्शन होगी ये, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो अगर यहां पर देखो तो ये जो अपने पास एरिया वेक्टर है ये फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये फील्ड के साथ बना रहा है थीटा एंगल। मगर मुझे तो वो एरिया चाहिए जो फील्ड के साथ नॉर्मल हो। तो यहां पर अगर देखो ये एरिया नॉर्मल था, जब ये एरिया नॉर्मल था तो ये फील्ड के साथ कितने डिग्री बना रहा था? 0 डिग्री बना रहा था। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पर अगर देखो तो ये एरिया वेक्टर फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो? क्या आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो कि यहां आ जाएगा एस कॉस थीटा और यहां आ जाएगा एस साइन थीटा? यह बहुत पुरानी बात हो गई है, अपन ने इक्विटोरियल वाले क्वेश्चन में भी सीखा था कि थीटा वाली साइड पे कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। अब आप देखो गौर से, जो सरफेस एरिया है इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो फील्ड के साथ अलाइंड है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया आपकी जो फ्लक्स होगी वो होगी ई एस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि एस कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो फील्ड के अलोंग है, यानी उसके कारण जो एरिया कंपोनेंट आएगा वो फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर आने वाला है, इसीलिए अपने पास ये हो गया ई एस कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है ना, सरफेस एरिया भी वेक्टर,
और साथ में ये cos थीटा आ गया तो पुराने पाप खुल गए कि a b cos थीटा क्या होता था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो यहां पर इसको अपन लिख सकते हैं a e वेक्टर डॉट s वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट अपने आप में ही कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। तो ये तो खुशखबरी है अपने लिए, किसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन वायरेक्शन से लेना देना नहीं है। सो ये अपने पास जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स e डॉट s, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और फिर से याद रखना, एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जो फील्ड के अलोंग हो, यानी सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये बात क्लियर है तो अपन बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन। अब अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो चुका है फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। यहां पर अपने पास अब अपन को यह देखना है कि जब फ्लक्स अब तो स्केलर हो चुका है, मगर एंट्री और एग्जिट भी तो देखना पड़ेगा। तो यहां पर अपने पास मान लेते हैं कि एक सरफेस है, ठीक है, ये अपने पास है, यहां से फ्लक्स अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, तो एरिया वेक्टर तो नॉर्मल होता है तो इस डायरेक्शन में होगा। एंगल कितना हुआ, 180। अगर एंगल 180 डिग्री हुआ तो कॉस 180 क्या होता है, माइनस वन होता है, नेगेटिव। मतलब कि जब भी मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर घुसेगी, यहां पर देखो एंट्री पे नेगेटिव, एंगल ऑब्ट्यूज है 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम या बराबर चलेगा। तो उस केस में मेरे पास कॉस होता है नेगेटिव, और उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि एंट्री के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन लोग कंसीडर करते हैं नेगेटिव। सो यहां पर एंट्री जब भी हो एंगल ऑब्ट्यूज होगा, एंगल ऑब्ट्यूज होगा मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो अपना जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में कहीं पे भी हो सकता है, इधर से लेके इधर तक। एंगल ऑब्ट्यूज होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे दूसरे केस की बात करूं, यहां पर ये मेरे पास दूसरा केस है, दूसरे केस में मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मगर अगर सरफेस को देखूं तो एरिया वेक्टर तो ऐसा है, इनके बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है अपने पास, cos 90 होता है अपने पास जीरो। सो इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया जीरो। अगर ये मैं क्यूब को देखूं, जो कि मुझे आगे जाके हेल्प मिलेगी, अगर मैं क्यूब को देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आ जाओ जरा, अगर मेरा एक्यूट एंगल बनता है, एक्यूट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, 90 से कम और 0 डिग्री से 90 के बीच में कुछ भी, एक्यूट एंगल बन रहा है, मतलब फ्लक्स लीव कर रही है। अगर फ्लक्स लीव कर रही है, इन दैट केस कॉस थीटा पॉजिटिव होता है तो फ्लक्स भी हमारी पॉजिटिव, मतलब इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर एंगल अपना 90 डिग्री बन रहा है, उस केस में अपनी फ्लक्स हो जाएगी जीरो। अभी भी नहीं माने, शैतान सिंह का शैतान जागना चाहिए। बाबा जी आपने हर बार सर्कुलर सरफेस बना दी, कभी आप कुछ बना रहे हो, कभी स्क्वायर टाइप का दिखा रहे हो, एक इरेगुलर सरफेस ले लो। चलो इसको जनरलाइज करते हैं अपन। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक ऐसी सरफेस है जो कि इरेगुलर है, तो भैया अपन को कैलकुलस इसी दिन के लिए सिखाई गई थी, तोड़ो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाला। अगर सरफेस बड़ी है और अपना काम ही नहीं हो पा रहा तो छोटा सा पार्ट ले लो उसका, क्योंकि भाई अलग अलग एंगल पर सरफेस एरिया अलग अलग आएगा। सो अपन ने कहा भाई मान लेते हैं ये पार्ट ले लिया, यहां पर अपने पास सरफेस एरिया है डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे की तरफ ई, और एंगल है थीटा। तो अगर इनके बीच में अपन देखें एंगल थीटा है, तो फिर से क्या तुम इस डीएस को रिजोल्व करोगे, इस तरफ आएगा डीएस कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास डीएस साइन थीटा। जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड है। अगर ये अलाइंड है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो भैया अपने पास जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा ई डीएस कॉस थीटा। क्योंकि डी फाई क्यों ले रहे हैं यहां पर, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एरिया था ना इसीलिए। और ये इंटीग्रेट कर दें अगर अपन, तो ये आ जाएगा ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा था, पूरा चाहिए था। और डॉट प्रोडक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा था, तो इसको लिख दिया ई डॉट डी एस, हो गया अपना काम, जनरलाइज कर लिया अपन ने इसको, अपना पूरा पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी अंदर से स्ट्रेंथ बढ़े अपनी। इस क्वेश्चन में अपन से कहा गया गिवन अ यूनिफॉर्म फील्ड E इज इक्वल्स टू 8 × 10³ i, मतलब अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 8 × 10³ i। क्यों लगाए, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है।
फाइंड द फ्लक्स थ्रू द फील्ड, इस फील्ड के कारण फ्लक्स निकालनी है एक स्क्वायर प्लेट से जिसकी जो साइड लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। और आपसे ये कहा गया इसका जो प्लेन है वो वाई जेड एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि ये वाई जेड एक्सिस में प्लेन है। और क्योंकि यहां पर आई कैप लगा हुआ है तो मुझसे कहा गया कि फील्ड निकालो, मतलब फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। सो अगर यहां पर देखें अपन तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, आपका जो सरफेस एरिया है, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में है तो यहां पर अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा फाई इज इक्वल्स टू ई और एरिया इंटू कॉस थीटा, कॉस क्योंकि यहां पर जीरो डिग्री है तो कॉस जीरो हो जाएगा वन, ई और एरिया का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 115.2 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। एक चीज तुम लोगों ने नोट करी होगी और वो ये नोट किया कि बाबा जी ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, वहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया था मेरा, मैंने पढ़ लिया और सॉल्व कर दिया। अब मैं पढ़ रहा हूं पार्ट बी। पार्ट बी क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब कि अब वही चीज है मगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो प्लेन, कुछ प्लेन ऐसे घूम गया तो एंगल जो बनाएगा वो 30 डिग्री बनाएगा। अगर 30 डिग्री बनाएगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो वही है, ई इंटू एरिया, बस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर ये मल्टीप्लाई करने पे तो 115.2 आया, कॉस 30 आ गया, रूट 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 99.65 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन सॉल्व्ड। आया हुआ क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है। इसके बाद एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, आपसे कहा गया E वेक्टर दे दिया 3x i कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बदल रही है। दोस्तों आपसे कहा गया फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब, इस क्यूब के साथ कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगी। तो ये आप देखो अब आराम से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप लगे होने के कारण एक्स एक्सिस के अलोंग है। सो ये आ गया मेरे पास वो क्यूब और ये है मेरी फील्ड जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहां पर इन हो रही है, यहां पर आउट हो रही है, इन पर एंगल कितना बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल हो गया 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1, यहां पर ई और एरिया दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यहां पर 90 0, यहां पर 90 0, यहां पर 90 0, यहां पर 90 0, फील्ड ऐसी है, एरिया इधर है 90 डिग्री पर 0। इसीलिए तुम्हारे बाबा जी ने बाकी कुछ दिमाग में लगाया ही नहीं, एक सरफेस हो गई ये S1 ये वाली और दूसरी सरफेस हो गई ये S2, खत्म, फिनिश, ओवर, डन। देखो कैसे ये हो गया अपने पास पहला वाला, पहली सरफेस के लिए। ये पहली सरफेस कहां पे कट कर रही है, एक्स इज इक्वल टू ए पर, ये है प्लेन, एक्स इज इक्वल टू ए पे कट कर रहा है और एंगल कितना बनाएगा 180 डिग्री क्योंकि इन हो रहा है। ठीक, यहां पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3a, a क्यों लिख रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 3x थी मगर x की वैल्यू a है तो 3a, और एरिया तो स्क्वायर का साइड लेंथ a दे रखी है, ये साइड क्योंकि ये स्क्वायर ही बनेगा तो इसका एरिया आ जाएगा a स्क्वायर, e हो गया, a हो गया, cos 180 एंगल हो गया, माइनस का 3a क्यूब आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कौन सी फ्लक्स है जो अंदर जा रही है। अब बाहर वाली फ्लक्स को अगर अपन देखें तो यहां पर ये देखो ये a है और ये भी a है अंदर क्यूब की साइड लेंथ, तो ये टोटल हो गया 2a, तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 2a, थीटा की वैल्यू क्योंकि ये बाहर निकल रहा है तो एरिया वेक्टर और e दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा हो गया 0 डिग्री। E2 अपने पास कितना आ जाएगा, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये तो 3x है मगर यहां पर x की वैल्यू 2a है तो ये आ जाएगा 3 × 2a यानी 6a, तो आपके पास एरिया a स्क्वायर हो गया। सो फाई आ गया क्या, E 6a, एरिया a स्क्वायर cos 0, सो ये आ गया 6a क्यूब। अब आप मुझे ये बताओ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई वन प्लस फाई टू, फाई वन क्या है माइनस का 3a क्यूब, फाई टू क्या है 6a क्यूब, दोनों को माइनस प्लस प्लस कर दें तो 3a क्यूब, ये आ गया आपके पास फ्लक्स 3a क्यूब। सो फाइनली अपन ने क्यूब केस भी कर लिया, डरा रहे थे अपन को क्यूब केस दिखाकर ये कि 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस हैं, काम तो दो ही सरफेस से था, तो बड़ी आसानी के साथ अपन ने ये दो क्वेश्चन कर डाले। अब अपना आएगा गॉस और गॉस से एक क्वेश्चन आना तय है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।